प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने रविवार को वैश्विक खाद्य दिवस पर 6000 किलो की कढ़ाई में 2000 किलो का चिवड़ा तैयार कर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। रामदास पेट स्थित विष्णु जी की रसोई में 6000 किलो की कढ़ाई में सुबह 9 से 11 बजे तक चिवड़ा तैयार किया गया। आयोजन स्थल पर महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। रसोई में खुले मंच पर इस उपक्रम का आयोजन किया गया था। चिवड़ा बनाने में 600 किलो चिवड़ा, 400 किलो तेल, 100 किलो शेंगदाना, 100 किलो काजू, 100 किलो किशमिश, 250 किलो मसाला आदि सामग्री इस्तेमाल की गई थी। इस उपक्रम में कांचनताई गडकरी, एसीपी अशोक बागुल, पूर्व महापौर संदीप जोशी, आशुतोष शेवालकर, राजे मुदोजी भोसले, इनके साथ ही कई लोग उपस्थित थे। चिवड़ा बनाने के बाद अतिथियों के हाथों वहां उपस्थित लोगों को इसे मुफ्त में बांटा गया। सभी को आधा आधा किलो चिवड़े का पैकेट भी दिए गए। ये चिवड़ा सामाजिक संस्था के माध्यम से गढ़चिरौली, मेड़घाट जैसे दुर्गम क्षेत्र में आदिवासी परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। शहर के अनाथालय, अंध विद्यालय में भी इसका वितरण किया जाएगा। गणेशोत्सव में विष्णु मनोहर ने नागपुर में 2500 किलो दाल का प्रसाद तैयार किया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उसका वितरण किया गया था। चिवड़ा बनाने का मनोहर का 14वां विश्व रिकॉर्ड है। लगभग 53 घंटे खाना बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा सबसे लंबा पराठा तैयार करने का भी उनका रिकॉर्ड है। 3 घंटे में 7000 किलो का महामिश्र तैयार करने का भी विश्व रिकॉर्ड विक्रम मनोहर के नाम पर है। मनोहर ने 20 दिसंबर 2018 में भारत में 3200 किलो बैगन का भरता तैयार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने 3000 किलो खिचड़ी तैयार कर भी नया रिकॉर्ड बनाया था। बाद में 5000 किलो खिचड़ी बनाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ा था और उसी के साथ ही अब उन्होंने नया रिकॉर्ड 6000 किलो की कढ़ाई में 2000 किलो का चिवड़ा बनाकर बनाया है। महाचिवड़ाचा हा प्रयोग जो आहे तो कोविड नंतर ही जी दिवाळी आलेली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस आज आहे, 10 दिवसावरच दिवाळी आहे आणि म्हणून म्हटलं की काहीतरी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड जो बनवायचा तो चिवड्याचा बनवायचा आणि जो चिवडा मग दिवाळीच्या निमित्ताने लोकांकडे आपल्याला वाटता येईल आणि हा जवळपास 6000 किलोच्या कढईत मावेल एवढा मोठा चिवडा आहे आणि साधारण ह्याच्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स आपण घातले आहेत ते 2500 किलो असतील आणि हे इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत तर त्याच्यामध्ये चिवडी आहे 600 किलो, त्याच्यानंतर दाणे आहेत 100 किलो, त्याच्यानंतर 100 किलो डाळी आहेत, कढीपत्ता 100 किलो आहे, कोथिंबीर 100 किलो आहे, त्याच्यानंतर मसाले जे आहेत ते जवळपास 225 किलो याच्यामध्ये मसाले पडलेले आहेत, 400 किलो तेल आहे, काजू किसमिस 100 किलो आहे आणि हा चिवडा सामाजिक संस्थांमार्फत जसं मैत्री परिवार आहे, पुलक मंच आहे यांच्यामार्फत धारणी, त्याच्यानंतर मेळघाट आणि गडचिरोली या दुर्गम भागामध्ये पाठवला जाणार आहे। याशिवाय नागपूरच्या आसपास ज्या गरीब वस्त्या आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा हा चिवडा जाईल अशी मला आशा आहे आणि इथे जी मंडळी उपस्थित आहे त्यांना सुद्धा हा चिवडा देण्यात येईल। ब्युरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपूर।